नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सरफ। तो क्या पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना की इस लड़ाई में, कोरोना की इस जंग में पप्पू यादव लोगों के लिए मसीहा बनेंगे? क्या कुछ करेंगे? क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने मदद करने का प्लान बना लिया है और इसके लिए उन्होंने जारी कर दिया है हेल्पलाइन नंबर। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से पप्पू यादव अपने तमाम साथियों के साथ हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप उनका वह हेल्पलाइन नंबर भी देख रहे हैं जिसमें उन्होंने कोरोना हेल्पलाइन में 3 नंबर जारी किया है। दीपक कुमार जिनका नंबर है 6209213920, मुन्ना जी 9122162845, विनय जी 7004091130। तो ये 3 नंबर पप्पू यादव ने जारी किया है कोरोना हेल्पलाइन के लिए। किसी भी तरह की जरूरत महसूस हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके पप्पू यादव से बात कर सकते हैं, वह आपकी मदद करेंगे या फिर आपकी मदद करवाएंगे। तो पप्पू यादव की तरफ से यह हेल्पलाइन नंबर आज उनके कार्यालय में जारी किया गया है। वहीं इस दौरान उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है, मेदांता अस्पताल को कोरोना अस्पताल के रूप में फिलहाल चालू करने की उन्होंने मांग कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आप सुनिए। बहुत क्लियर है, पहली बात कि किसी दूसरी बीमारियों के लिए अस्पताल में कोई जगह नहीं है, ओपीडी बंद हो गई, लोग परेशान हैं, लोग लौट रहे हैं, डायलिसिस नहीं हो रहा है, कीमो नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कारण है कि सरकार ने कोई व्यवस्था दूसरी बीमारी के लिए नहीं करी? यह सबसे बड़ा सवाल। क्या सिर्फ कोरोना बच गया है, उसके बाद टोटल बीमारी गायब हो गई? तो जब आज टोटल बीमारी गायब है, कोरोना ही है, तो फिर अंतिम टोटल बीमारी कैसे पैदा हो जाता है? एक दूसरी चीज, कोरोना के लिए आप कोई व्यवस्था नहीं की। तीसरी चीज, मैं किसी भी कीमत पर प्रवासी मजदूर के लिए मंथली पैकेज की मांग करता हूं। चौथी चीज, गलत तरीके से टैक्स बढ़ाया गया है बड़े बड़े शहरों का, पटना का, कचरा के नाम पर उन चीजों को रोक लगे। और पांचवी चीज कि जो मेदांता है और पारस हॉस्पिटल है, पारस को आपने घोषणा किया, लेकिन पारस में एक बेड पर 35,000 रुपया मांग रहा है कोविड के लिए, कोविड के लिए। आपने कोई रेट फिक्स नहीं की, 2,000, 3,000, 1,000, 35,000 रुपया कहां से देगा? सही है। आप मेदांता को घोषित करिए पूरा, जब मेदांता ओपीडी चल रहा है आप उसको कोविड अस्पताल पूरा घोषित करिए। और आपको सेना से आप डॉक्टर मांगने की जरूरत पड़ गई, ना इनके पास वैक्सीन है, वैक्सीन आयात हो रहा है, ना इनके पास डॉक्टर है, ना इनके पास ऑक्सीजन है, ना इमरजेंसी दवाई है, और ना कॉमन आदमी की बीमारी का कोई इलाज है। तो क्या बिहार सरकार बिल्कुल कलेश कर गई? इसीलिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी की आज एक कोर कमिटी की बैठक अभी लगातार 3 घंटों से इसमें चल रही है। हम लोगों ने तय किया विलंब गवर्नर, 4 दिनों के अंदर गवर्नर से हम मांग मिलेंगे कोरोना के और इस हालात के पर। उसमें 2 मुद्दा हम लोगों का है, एक है वैक्सीन, प्रवासी मजदूर को किसी भी कीमत पर रोजगार आप नहीं देंगे, 6,000 मंत्री करिए। हर परिस्थिति में लड़ाई होगी, जरूरत होगी तो सड़कों पर जाएंगे। तीसरा, मधुबनी इंस्पेक्टर निर्मल बबना और शराब, इसकी इंक्वायरी सीबीआई से, इसके लिए हम तो गवर्नर से मांग मिलेंगे। तो आपने सुना, पप्पू यादव ने तमाम मांगों को रखा है, साथ ही साथ आज हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। क्या कुछ होता है तमाम अपडेट्स के लिए बटन हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।